अस्सलाम वालेकुम, जैन बायो लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक दो बातें मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से शेयर करने वाला हूं। जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो जो नोकिया के मोबाइल हैं, माइक तब्दील करने के बाद शोर आना शुरू हो जाता है। जो यूनिवर्सल माइक होता है उसको अगर आप नया भी लगाएं तो भी शोर ख़त्म नहीं होता। तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने लगा हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर ये कई किस्म के माइक हैं, तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। ये माइक है मेरे पास, आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल माइक। ये नया यूनिवर्सल माइक है और ये भी नया यूनिवर्सल माइक है, जबकि यह जो ओरिजिनल माइक है किसी फ़ोन से उतारा गया है, और उसके साथ ये जो दूसरा माइक है ये भी पुराना माइक है, किसी फ़ोन से उतारा गया है। अब मैंने चेक ये किया है कि जब आप ये माइक मोबाइल में लगाएंगे, नोकिया का मोबाइल जो है उसमें शोर होना शुरू हो जाएगा, बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जबकि अगर ये वाइट वाला माइक आप यूज़ करते हैं तो आवाज़ क्लियर आएगी। तो इनकी कोई कीमत का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बस ये क्वालिटी होती है। कभी ये वाइट कवर वाले माइक जो हैं ये बेहतर चल जाते हैं और कभी ब्लैक वाले। तो फिलहाल मैंने जब लास्ट टाइम बाय किए थे तो ये माइक जो है अब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ चाइनीज़ फ़ोन के लिए, और ये वाइट वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ नोकिया वाले फ़ोन के लिए, या उस फ़ोन के लिए जिसमें माइक का शोर आ रहा हो। यानी कि जब कॉल करते हैं तो जो जिसको कॉल की जाती है उसको जो है शोर की आवाज़ सुनाई देती है, और उसमें यानी कि फ़ोन करने वाले की आवाज़ बहुत कम जाती है आगे। ये जो ओरिजिनल माइक है ये आप अगर यूज़ करेंगे नोकिया के मोबाइल में तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ओरिजिनल माइक नहीं मिलता तो फिर ये आप ये जब भी मार्केट जाएं दो तीन किस्म के माइक ख़रीद लें, तो उनमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक किस्म के माइक तो ठीक होंगे ही ना, उनसे आपका काम चल जाएगा। ये जिस तरह ये पुराना माइक है चाइनीज़ फ़ोन का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल माइक जो चाइना के मोबाइल के साथ कंपनी डाल के देती है वो भी अच्छा माइक होता है, उससे भी शोर नहीं जाता आगे, माइक की आवाज़ क्लियर जाती है। तो या तो आप ये वाइट वाला माइक यूज़ करें, या ओरिजिनल माइक यूज़ करें, या जिस तरह ये देखें ये नोकिया का फ़ोन है और इसमें ये माइक जो है ये ओरिजिनल लगा हुआ है। अगर ये माइक हम रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे इसको और उसकी जगह पर ये माइक लगाएंगे तो शोर आएगा, लेकिन मैंने टेस्टेड किया हुआ है अगर ये वाइट वाला लगाएंगे तो शोर नहीं आएगा, या ओरिजिनल माइक जो है ये आप लगाते हैं तो भी शोर नहीं आएगा। तो जब भी नोकिया के मोबाइल में माइक तब्दील करने से आगे शोर की आवाज़ आए तो आप माइक ओरिजिनल रिप्लेस करें, या दो तीन क्वालिटी के माइक ले लें, उनमें से आप वन बाय वन करके चेक कर लें, तो जिस माइक की आवाज़ आगे क्लियर जाए वो आप नोकिया के लिए अलहदा रख लें, और जिसकी आवाज़ का इशू हो वो आप चाइना वाले फ़ोन के लिए रख लें। तो अमूमन माइक का जो शोर है ये इतना करने से ख़त्म हो जाता है, अगर इससे आगे ख़त्म ना हो तो फिर वाटर डैमेज फ़ोन हो सकता है, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन जो है उसमें ऐसे मसले होते हैं। तो आप उसको सर्विस करके अच्छी तरह हीट करें और यूज़ कर लें, अगर फिर भी ना हो तो पेस्ट लगाकर मोबाइल का सीपीयू हीट कर दें। उम्मीद है आपका मसला हल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।